हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तीन समर स्पेशल ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी है। आइए फ्रेंड्स, मिंट लेमोनेड बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 2 कप फ्रेश पुदीना ले लिया है। मैंने इन्हें अच्छे से साफ कर पानी से धो लिया है। 2 लेमन ले रही हूँ, 3 टेबलस्पून शुगर ले रही हूँ, थोड़े आइस क्यूब्स और करीबन 3 कप पानी हम यूज करेंगे। वो लेमन हमने लिए हैं, उनका रस ले लेंगे। मैं छन्नी रखकर जूस निकाल रही हूँ ताकि लेमन के जो बीज है वो हमारे जूस में ना जाए। अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते जो हमने धोकर ले लिए थे उन्हें ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून शुगर और 3 कप पानी और 4 से 5 आइस क्यूब्स। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, मैं आपके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर का हमें हमारा मिंट लेमोनेड मिला है। मैं इसे छानकर यूज करूंगी। देखिए, हमें हमारा मिंट लेमोनेड मिल गया है। कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है इसका। मिंट लेमोनेड को पानी पूरी के पानी में भी यूज कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा अलग सा यूनिक फ्लेवर देगा आपको मिंट का आपके पानी पूरी में। हम इसे डायरेक्टली इसी तरह सर्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे सोडे के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। भी है, आप अगर चाहे तो इसे सर्व करते वक्त कुछ पुदीना के पत्ते और लेमन के कुछ पीसेस कट करके भी इसमें आप डालकर आपके गेस्ट के लिए सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसी ड्रिंक से आगे की बाकी की भी 2 ड्रिंक्स बताने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मिंट लेमोनेड बचा है हम उसका आइस क्यूब्स बना लेंगे। देखिए, मैंने अपना आइस ट्रे अच्छी तरह से फिल कर लिया है हमारे मिंट लेमोनेड से। आइस क्यूब बनाने का ये भी एक फायदा है कि आप जब चाहो तब इसे आपके मनपसंद ड्रिंक में आइस की जगह पर यूज कर सकते हो, और आइस क्यूब बनाने की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। आप इसे आइस क्यूब बनाकर रख सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है उसका नाम है रोज मोहितो, या आप से रू अफ़ज़ा लेमन ड्रिंक भी कह सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे सब्जा लिया है। मैंने 1 टीस्पून सब्जा लिया है और इसे मैं लगभग आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी पानी में। ये रेडी है। पहले मैं इसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने रू अफ़ज़ा लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। अब हम सब्जा ऐड करेंगे। हमने जो मिंट लेमोनेड बनाया था वो ऐड करेंगे। यहाँ पे लगभग 1 टेबलस्पून में मिंट लेमोनेड ऐड कर रही हूँ। एक बार मिक्स कर लेंगे सोडा ऐड करने से पहले। सोडा डालते वक्त आप इसे मिक्स करते रहिएगा। आप इसे चाहे तो मिंट की पत्तियों से सजाकर सर्व कर सकते हो। हमारा रोज मोहितो, या कह लीजिए रू अफ़ज़ा लेमन ड्रिंक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारी नेक्स्ट ड्रिंक है वाटरमेलन लेमोनेड। नाम से आपको समझ आ ही गया होगा कि हम इसमें वाटरमेलन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनफैक्ट हम इसमें वाटरमेलन जूस का इस्तेमाल करेंगे। मुझसे जितना पॉसिबल था मैंने वाटरमेलन के बीज निकाल लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रह गए हैं, तो हमें इसे बीज के साथ ही पीस लेना है, क्योंकि वाटरमेलन के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। तो हम इन्हें जूस निकालते वक्त साथ में पीस सकते हैं और जूस को हम छन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मिंट लेमोनेड को जो आइस क्यूब बनाने रख दिया था वो रेडी है। ये जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगते हैं। हम इसमें पहले हमारे मिंट लेमोनेड ऐड करेंगे, उनके आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 4 ले रही हूँ। और हमने जो वाटरमेलन का जूस बना के रखा है वो ऐड करेंगे। एक बार हम उसे चला लेंगे। हम इसे आधा ही ग्लास भरेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और सोडे के साथ हम इसे टॉप अप करेंगे।
ये हमारा वाटरमेलन लेमोनेड रेडी है। मेलन के पीसेस कट करके रखे हैं वो ऐड करूंगी। हमारा वाटरमेलन लेमोनेड सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स देखिए, हमारे तीनों समर स्पेशल ड्रिंक्स जो है बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही हेल्दी समर ड्रिंक्स है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और आपके फीडबैक्स मुझे ज़रूर लिखकर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स हमें दही लगेगा। मैंने यहाँ पे हंकड़ लिया है। हंकड़ बनाना बहुत ही ईजी होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स ऑफ दही लिया है, जिसे एक मसलिन क्लॉथ में डालकर मैंने स्क्वीज कर लिया, उसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल दिया और फिर उसे 6 घंटे के लिए मैंने टांग के रख दिया। ये मेरा हंकड़ है। साथ ही में हमें इसमें जो मसाले लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी बता देती हूँ कि मसालों का प्रमाण हमने कम रखा है, इसीलिए क्योंकि मुझे दही के कबाब का जो एक्चुअल टेस्ट है वो हमें चेंज नहीं होने देना है, और साथ ही कबाब का जो कलर है बाहर से मसालों के कलर में ना चेंज हो जाए, इसीलिए मसाले कम डालने हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है, कोई भी गरम मसाला आप ले सकते हो, मैंने भी 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है, रोस्टेड जीरा पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्स लिए है। पनीर लिया है मैंने, यहाँ हमें जितनी जरूरत होगी हम उतना ही पनीर इस्तेमाल करेंगे। ये आपके बनाने के वक्त ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितना पनीर डालना है। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 टेबलस्पून पनीर अभी इस्तेमाल करूंगी। और रोस्टेड बेसन भी मैं स्टार्ट में 2 टेबलस्पून ही डालने वाली हूँ। उसके बाद हम देखेंगे थिकनेस कितना है हमारे कबाब के बैटर का, फिर डिसाइड करेंगे कि और डालना है या नहीं। सॉल्ट एज पर दी टेस्ट और हरा धनिया। ब्रेड क्रम्स मैंने एक्स्ट्रा यहाँ बना के रखे हैं क्योंकि ये हमें कबाब के फ्राइंग के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून पनीर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे हमारे सारे ड्राई मसाले डाल देंगे, हरा धनिया, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ अपने हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे इस वक्त मेरा कबाब का जो ये मिश्रण है ये प्रॉपर लग रहा है। मुझे और बेसन या पनीर डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं लग रही। इस डन। अब मैं आपको स्टफिंग दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको स्टफिंग बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज कैरेट को अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। मैंने एक छोटा सा गोभी का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया है और अनियंस को फाइनली चॉप करके ले लिया है। हमें जिंजर और ग्रीन चिली का यहाँ पे पेस्ट भी लगेगा और थोड़ा सा हरा धनिया लगेगा। सॉल्ट एज पर टेस्ट लगेगा और हमें ब्लैक पेपर भी लगेगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या करना है। ये जो हमारे स्टफिंग है इसपे हमें सॉल्ट डालना है थोड़ा सा ही और इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन्हें हमें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और ये स्टफिंग हमें इसमें डालकर इसका सारा पानी जो है वो स्क्वीज कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सारा पानी निकला है इसमें से। हमें इस तरह की स्टफिंग चाहिए जिसमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट ना हो। फ्रेंड्स अब हम इसमें
बहुत थोड़ा ही सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा ही डालना है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट भी डालने वाले हैं, इसलिए स्पाइसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। और हरा धनिया इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, हम इसमें स्टफिंग करते हैं। पहले मैंने लेकर इसे गोला बना लिया है। अब इसमें हम छोटी सी कैविटी करेंगे और इसमें थोड़ा सा हमारा स्टफिंग डालेंगे और इसे फिर से राउंड शेप कर दीजिए। आप कोई भी शेप कर सकते हैं, आपको जो जैसा पसंद हो, बस स्टफिंग डाल के ये अच्छे से आपको पैक कर देना है। मैं आपको एक और स्टफिंग करके बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका दही का ये जो कबाब का बैटर है वो थोड़ा लूज हो रहा है, तो आप थोड़ा और बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ये स्टफिंग डाली इसमें, इसका अब हमें मुंह बंद करना है अच्छे से और फिर से इसे शेक दे देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे कबाब रेडी है। अब हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करने से पहले फ्रिज में रखेंगे, फिर उसे ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लगभग 5 मिनट्स के लिए ये फ्रिज में रख दिया था, अब मैंने बाहर निकाल लिया है और पहले हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। तेल अच्छा गर्म कीजिएगा, हमें इसके लिए बहुत गर्म तेल लगेगा क्योंकि हमें इसे अंदर से कुक नहीं करना है। बेसिकली हमें इसे सिर्फ आउटर लेयर, इसका आउटर कोटिंग जो है उसे कुक करना है। इन्हें हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसा कलर चाहिए। अब हमें टर्न करना है गैस, थोड़ा मैं फिर से यहाँ पे सिम कर रही हूँ। अगर आपका तेल बहुत अच्छा गर्म है तो हमें 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा एक साइड फ्राई करने के लिए और दूसरा 1 मिनट दूसरी साइड फ्राई करने के लिए। हमारे दही के कबाब फ्राई करके रेडी है। आज की हमारी रेसिपी है वेज कीमा पाव, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। कम तेल में इसे फ्राई करके लेना है। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें हमारे सोया ग्रैन्यूल्स फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे घी लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो गया है, हम पहले इसमें जीरा डालेंगे, फिर दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग डाल रही हूँ। एक बार इसे आप अच्छे से चला लीजिए।
अब हम इसमें अनियन डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज अनियंस को अच्छे से चॉप करके ले लिया है। हम इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे। देखिए, मैंने सोया ग्रेन्यूल्स को ऑयल में सौते करने रख दिया था जब तक हम अनियंस ब्राउन कर रहे थे। ये हो चुका है। इस तरह से इसका जब कलर चेंज हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सोया ग्रेन्यूल्स जो है वो सौते हो चुका है। मैंने लगभग 5 से 6 मिनट्स के लिए इसे स्लो गैस पर छोड़ दिया था सौते होने के लिए। अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी। देखिए, हमारी अनियन जो है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे अदरक लहसुन और कोथमीर का मैंने धनिया पत्तों का यहाँ पे मैंने पेस्ट ले लिया है। ये मैंने 1 से 1.5 बड़ा टेबलस्पून यूज किया है। इसे हम सौते कर लेंगे। इसी स्टेज पे मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। हमारा मसाला सौते हो गया है, ये ऑयल सेपरेट होने लगा है, ये उसका इंडिकेशन है। अब हम फाइनली चॉप 2 टमाटोज इसमें ऐड करेंगे। एटलीस्ट 5 मिनट्स हम टमाटोज को पकने देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, हल्दी 1/2 टीस्पून लिया है और 1/2 टीस्पून आज मैं यहाँ पर स्पाइसी रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ। एवरेस्ट की कोटी लाल यूज कर रही हूँ और 1 टीस्पून एवरेस्ट का कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला, वो भी एवरेस्ट का यूज करूंगी। अभी हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, अगर जरूरत लगी तो हम फिनिश करते वक्त भी थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। टमाटोज को मैं थोड़ा यहाँ पे स्मैश कर रही हूँ स्पून से ताकि वो जल्दी पक जाए। टमाटोज पक गए हैं। इस स्टेज पे पहले मैं थोड़ा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। मैंने मसाले बताए थे वो सारे अभी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से सौते कर लीजिए। ये थोड़ा ड्राई लग रहा है मुझे, इसमें पानी ऐड करूंगी। बिल्कुल थोड़ा पानी डालना है और अब हमें इसे 5 मिनट के लिए एटलीस्ट पकने के लिए रख देना है। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें हमारे सोया ग्रैन्यूल्स जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। इसे मसालों के साथ मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मसालों में अच्छे से सौते हो जाए। ये अच्छे से सौते हो गया है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करूंगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें इसे पाव के साथ सर्व करना है। आपको कितनी इसकी कंसिस्टेंसी पसंद हो उसके मुताबिक पानी का लेवल एडजस्ट कर सकते हो। पानी डालने के बाद जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता हम तब तक थोड़ा और पका लेंगे। इसमें और गरम मसाला डालने की जरूरत नहीं लग रही है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद हो तो आप गरम मसाला डाल के इस डिश को फिनिश कर सकते हो। जब आप हरा धनिया और कसूरी मेथी ऐड करेंगे उस वक्त दिस इज डन फ्रेंड्स। देखिए, अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब आप इसे पैन में ही इस तरह एक तरफ कर लीजिए। मैं बटर ऐड कर रही हूँ। हमारा वेज कीमा रेडी है फ्रेंड्स। हम इसे ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। आप अगर चाहो तो दूसरे पैन में बटर डाल के ब्रेड को
फ्राई करके सर्व कर सकते हो। एक डेजर्ट बनाने वाले हैं, पहले हमारा केक बना लेते हैं। केक का बैटर रेडी करने से पहले हम हमारे केक टिन को बटर से ग्रीस कर लेंगे। कुकर में केक बनाने वाले हैं, मैदे के साथ डस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स कंडेंस मिल्क लिया है और 75 ग्राम्स सॉल्टेड बटर, अमूल बटर लिया है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम ये केक फ्रूट कस्टर्ड के साथ सर्व करने वाले हैं, तो ज्यादा स्वीट केक नहीं बनाएंगे। 1 टीस्पून हम वैनिला एसेंस डालेंगे। अब मैं इसमें 150 ग्राम्स ऑफ मैदा ऐड करूंगी। हमेशा कट और फोल्ड मेथड से ही मैदे को मिश्रण में मिक्स करना है। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून ऑफ सोडा बाइकार्ब ले रही हूँ, बेकिंग सोडा, और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हम इसे स्लोली मिक्स करेंगे। बहुत थोड़ा सा ही मिल्क पहले ऐड करूंगी। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा लेवल कर देंगे और इसे टैप कर लेंगे। कुकर की विसल और गैसकेट निकाल देंगे। इसे ठीक से रख लीजिए। अब मैं गैस ऑन करूंगी। हमें गैस की फ्लेम उतनी ही रखनी है जितनी कुकर के बेस को टच करें। मैं आपको दिखा देती हूँ। सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लेम सिर्फ गैस बेस को टच कर रहा है, इतनी ही रखी है। हम एक बार चेक कर लेंगे। वाव, देखिए हमारा केक कितने अच्छे से राइज हुआ है। ये बन चुका है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगे हैं हमें ये केक कुकर में बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सॉफ्ट बना है। अब हम हमारे कस्टर्ड के साथ इसे सर्व करेंगे। फ्रूट कस्टर्ड भी रेडी है और आइसक्रीम भी। टिक्का लेंगे, इसे बेस में डालेंगे, उस पे हम हमारा कस्टर्ड, आइसक्रीम स्कूप, विल कवर इट विथ कस्टर्ड और स्कूप। और थोड़ा केक इस पे हम स्क्रम्बल करके डालेंगे। मैंने एक और स्कूप आइसक्रीम का डाला है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स का मैंने पाउडर लिया है यहाँ पे। हमारा फ्रूट कस्टर्ड विद केक एंड आइसक्रीम डेजर्ट इज रेडी।